बेवांची, हमें आपने शुक्र शु, हमारी विद्या की हाथों की मेहंदी अभी तक उतरी नहीं है और कान्हा जी मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरी विद्या की जिंदगी तबाह की है और ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर उन्हें लगता है कि मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके वो चैन से सो पाएंगे तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। ना मैं चैन से उन्हें जीने दूंगा और ना ही चैन से मरने दूंगा। बेटा शांत है जा, देख तेरा गुस्सा कहीं बनती बात को बिगाड़ ना दे। बिगड़ने दो काकी, अगर बात बिगड़ती है तो बिगड़ जाए। नहीं है बेटा ये मत भूल, हमारी मीरा अभी भी उसी घर में है। अहम दिकरा, मीरा वहां सुरक्षित नहीं है। हाँ है जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, हमारी मीरा अभी भी वही है, प्लीज जाइए उसे ले आइए। तुम किसकी बात कर रही हो गोपी? किसे लेकर आऊं? दाया उन्हें जाता जिनके साथ कोई रिश्ता होता है। आज के बाद हमारा मीरा के साथ कोई रिश्ता नहीं है। नहीं अहम जी, ये आप क्या कह रहे हैं, मीरा हमारी बेटी है। मीरा तो मर गई, मर गई मीरा। आज से मेरी एक ही बेटी है और वो है विद्या। प्लीज ऐसा मत कर, प्लीज। अब मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, उस सूर्यवंशी खानदान को बर्बाद करना। आपका प्लान तो फ्लॉप हो गया गौरा मासी जी, और शुड आई से मम्मी जी, आपने तो कहा था कि मैं इस घर में बहू बनकर आऊंगी और रानी बनकर विद्या की लाइफ पर राज करूंगी ताकि मैं अपने परिवार से रिवेंज ले सकूं, लेकिन यहां तो विद्या ही चली गई और अब श्रवण भी जा रहा है और आप दोनों चुपचाप तमाशा देख रहे खड़े होकर। और ये दुर्गा का क्या ड्रामा है? इनकी फर्स्ट वाइफ जिंदा है ये बताने का प्लान कब था आप लोगों का? मुझे लगा कि आप मेरी साइड में। देख दुर्गा की चिंता मत कर, अरे वो तो गरीब गाय है, उसे तो बरसों पहले हमने घर से निकाल दिया था, वो तो श्रवणीय की वजह से हम उसे वापस लेके आए। और तुझे तो अच्छा है ना, बिना पगार की नौकरानी मिल गई, तू जब चाहे जो चाहे उसे कह सकती है और वो तेरे सारे काम करेगी। नो थैंक्स, मुझे ना ही उनसे कोई काम करवाना है और ना ही मुझे उनके साथ इस घर में रहना है। एक तो आप लोगों की वजह से मेरे डैड ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, ऊपर से विद्या भी चली गई, तो फिर अब मेरे यहाँ रहने का क्या फायदा? आई थिंक मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। छोड़
वापस अपने घर। तुझे क्या लगता है वो लोग आरती की थाली लेके तेरे स्वागत के लिए खड़े होंगे? तूने सुना ना तेरा डफोड़ बाप क्या बोल के गया? वो तो तुझे बेटी मानने को तैयार ही नहीं। सॉरी अगर तुझे बुरा लगा हो तो माफ करना, लेकिन मोदी घर से तेरा दाना पानी उठ गया। तूने खुद उस घर जाने का रास्ता अपने आप बंद कर दिया है, इसलिए अब दिमाग जरा शांत रख और जा अपने कमरे में जाके शांति से सो जा। और रही बात तेरी छोटी बहन की, तो चिंता मत कर, कल ठीक इसी समय पर तेरी बहन इस घर में वापस आ गई होगी। What? कान में कचरा है तो तेल डाल और सो जा। मैंने कहा कल इस वक्त तेरी बहन इस घर में वापस आ गई होगी। Oh, really? अबे रियली फियली वाली छोड़, मैंने बोल दिया ना तो बोल दिया। जिस तरह तेरी बहन अपने आप घर छोड़ के गई है ना, उसी तरह अपने आप वापस आ जाएगी। और उसके आते ही श्रवण भी घर छोड़ने की बात नहीं करेगा। ये बाकी प्लानिंग कुछ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि विद्या कल तक यहाँ वापस आ जाएगी तो मैं भी कल तक यहाँ रह ही जाती हूँ। पर हाँ, अगर विद्या कल तक यहाँ नहीं आई, स्वयं आ रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहने वाली। एंड बाय द वे, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ और खुद कमा के खा सकूँ इतना तो मैनेज कर ही सकती हूँ, क्योंकि मैं ना ही अपने फादर पे डिपेंडेंट हूँ और ना ही आप लोगों पे कभी होंगी, क्योंकि मेरा नाम दुर्गा नहीं मीरा है। Understand? You better understand. बाह ये सर फिरी को मैं अभी ठीक करता हूँ। धर्म रुक, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें श्रवण को इस घर में रहने के लिए राजी करना होगा और फिर विद्या देवी को घर में वापस कैसे लाया जाए इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बा ये कैसे करेंगे? मेरे पास एक प्लान है। बेटा इस तरह गुस्सा नहीं करते, जो कुछ भी हो आखिर वो तुम्हारे पापा हैं। किसी बात को तो दुख है माँ, आपको नहीं पता पाजी और पापा ने विद्या जी की फैमिली के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है। और विद्या जी बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही समझदार लड़की है माँ। उनके मन में किसी के लिए कोई नफरत, लेकिन आज तो वो मेरी वजह से मुसीबत में है। मेरे कारण उनकी लाइफ में इतना बड़ा तूफान आ गया है माँ। ये सोच सोच कर मुझे अपने आप से नफरत होने लग गई है माँ। विद्या जी की आंखों में मेरी वजह से आंसू है माँ। माँ मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सच है कि मैंने शादी के लिए यहाँ इसलिए कहा था ताकि मैं आपको घर ला सकूं। और ये भी सच है कि जब से मैं विद्या जी से मिला मैं सचमुच उन्हें चाहने लग गया। और हमारी शादी होने के बाद सच में बहुत खुश थे माँ, लेकिन मुझे क्या मालूम था हमारा रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता? मैं जिनको प्यार करता हूँ कोई मुझसे छिन जाता है। पहले आप, विद्या जी।
ऐसे नहीं कहते बेटा। मैं जानता हूँ इस रिश्ते की शुरुआत बाजी की शर्त से हुई, लेकिन मैं विद्या जी को मिलने के बाद पहली बार ऐसा लगा कि मेरा भी कोई अपना है। और मैं आपको भी घर लेकर आना चाहता था मां। बेटा इस सब में तुम अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती है माँ, गलती है। मुझे पहले ही विद्या जी को बाजी की शर्त के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता माँ। तो बाजी ने मुझे वार्न कर दिया था कि अगर मैंने कुछ भी बता दिया तो वो आपको घर नहीं आने देती। हाँ सच कहूँ तो इसमें मेरा भी स्वार्थ छुपा हुआ था, क्योंकि मैं इतना डर गया था हाँ कि अगर मैं उन्हें बता देता विद्या जी शादी तोड़ देती। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता था माँ। आई स्वयं माँ, मुझे ये बदला लेने वाली बात के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। माँ वो बहुत अच्छे लोग हैं, जब हम उनके घर पर भी गए थे ना तभी बाजी ने न जाने क्या क्या तमाशे किए, तभी कोकिला मासी ने बाजी का साथ दिया, लेकिन बाजी ने गलती उनकी नहीं माँ, गलती हमारी है। तू रो बेटा। आपको पता है माँ, मैं विद्या जी की माँ से पहली बार मिला था ना, उन्हें मुझे आपकी छवि नजर आ गई थी। उन्होंने मुझे कभी अपना दामाद नहीं, हमेशा बेटा समझ कर प्यार बरसाया माँ। लेकिन माँ आज तो मैंने उनका भी विश्वास तोड़ दिया। उनका विश्वास तोड़कर उनके दिल पर बहुत ठेस पहुंचाई है माँ। न जाने क्या क्या सोच रही होंगी वो मेरे बारे में। श्रवण जी मैंने कितना विश्वास किया था आप पे, पर आपने मेरे भरोसे को मैं आपके साथ रह के खुद को कितना स्टिफ महसूस करने लगी थी। लग रहा था कि मैं किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकती हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। जिस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी आपने उसी वक्त मेरा साथ छोड़ दिया। क्यों किया? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।